हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मैजिकल स्कूल। हैरी पॉटर सीरीज में हम सभी ने ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स के बारे में तो सुना ही था, और आप सभी की भी मुझे बहुत कमेंट्स आती थी कि मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊं। तो आज हम इस वीडियो में ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स की पूरी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो अपने हेडफोन तैयार रखो, क्योंकि मैजिकल जर्नी बहुत मजेदार होने वाली है। लेकिन उससे पहले, आप लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट पर मैंने हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन बुक की ऑडियो बुक भी शुरू कर दी है, लेकिन अपने सेकंड चैनल पर। और वहीं पर मैं हैरी पॉटर और फैंटास्टिक बीस्ट दोनों ही मूवी एक्सप्लेन भी करने वाला हूं, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स एक सीक्रेट सोसाइटी थी जिसे 1970s में एल्बस डंबलडोर ने लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट और डेथ ईटर्स को खत्म करने के लिए बनाया था, ताकि विजिटिंग वर्ल्ड में दोबारा से शांति कायम की जा सके। क्योंकि उस टाइम वोल्डेमॉर्ट ने अपनी डार्क पावर्स का गलत इस्तेमाल करके पूरे विजिटिंग वर्ल्ड में अपना आतंक फैला रखा था, और इसी वजह से बहुत से लोग वोल्डेमॉर्ट का नाम लेने से डरते थे। बावजूद इसके भी बहुत से जादूगर परिवार ने, यानी कि विजिट फैमिली ने, डंबलडोर का साथ दिया और ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स को भी ज्वाइन किया, जैसे एलेस्टर मूडी, एबरफोर्ड डंबलडोर, एलिस लॉन्गबॉटम, डिडेलस डिगर, फ्रैंक लॉन्गबॉटम, जेम्स और लिली पॉटर, और भी बहुत से लोगों ने जिनके नाम आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। और इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक से बहुत से ऑरर्स ने भी ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स को ज्वाइन किया। और इसी बीच वोल्डेमॉर्ट ने अपना डर बढ़ाने के लिए मगल्स और मगल्स बोन पर अटैक करना शुरू कर दिया, और उसके बाद उसने उन विजिट्स फैमिली को अपना निशाना बनाया जिन्होंने वोल्डेमॉर्ट का साथ नहीं दिया था। और इसी वजह से एल्बस डंबलडोर ने स्पीकिंग पेट्रोनस का इन्वेंशन किया, जिसके चलते ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स के मेंबर सीक्रेटली एक दूसरे से बात कर पाते थे और अपनी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर पाते थे। लेकिन इसी बीच ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स और डेथ ईटर्स के बीच हुई एक ड्यूल में बहुत से लोगों की जान गई, जैसे प्रिविट भाइयों को 5 डेथ ईटर्स ने मिलकर मार दिया, और बोन्स फैमिली को तो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, जिस वजह से ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स में मेंबर्स की कमी होने लगी। लेकिन बावजूद इसके भी उन्होंने वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ अपनी इस फाइट को कंटिन्यू रखा। लेकिन इसी बीच प्रोफेसर सिबिल टेलोनी एक प्रोफेसी बताती है, जिसमें वो बोलती है, वो लड़का जिसके पास डार्क लॉर्ड को हराने की ताकत होगी वो जुलाई के अंत में पैदा होगा। उसके माता पिता ने 3 बार डार्क लॉर्ड का सामना किया होगा, और डार्क लॉर्ड उसे अपने बराबर का मानेगा। लेकिन उसके पास एक ऐसी शक्ति होगी जिसे कहते हैं प्यार, नहीं रह सकेगी एक मियन में दो तलवार, यानी कि किसी एक को दूसरे के हाथ से मरना ही होगा। और ये प्रोफेसी दो लोगों पर जाती है, हैरी पॉटर और नेविल लॉन्गबॉटम। लेकिन सेवरस स्नेप, जो कि उस टाइम डेथ ईटर होता है, वो आधी प्रोफेसी सुनकर वोल्डेमॉर्ट को बता देता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वोल्डेमॉर्ट ने उस प्रोफेसी को लिली के बेटे हैरी से जोड़कर देखा है, तो स्नेप अपनी गलती मानते हुए डंबलडोर को सारी बातें बता देता है, और डंबलडोर के कहने पर डबल एजेंट बन जाता है। उसके बाद डंबलडोर पॉटर फैमिली को फिडेलस चार्म से छुपने को कहते हैं, और फीनिक्स के मेंबर सीरियस को, जो कि जेम्स का बहुत अच्छा दोस्त होता है, उसे पॉटर फैमिली का सीक्रेट कीपर बना देते हैं। लेकिन सीरियस का तो कुछ और ही प्लान होता है, और वो लिली और जेम्स से बोलता है कि वो अपना सीक्रेट कीपर पीटर पैटिक्रू को बना ले। लेकिन पैटिक्रू पॉटर्स को धोखा देता है, और 31 अक्टूबर 1981 को जब वोल्डेमॉर्ट हैरी को मारने के लिए निकलता है, तो पैटिक्रू वोल्डेमॉर्ट को उनकी लोकेशन बता देता है, जिसके बाद वोल्डेमॉर्ट जेम्स और लिली को मार देता है। लेकिन वो लिली के लव मैजिक के कारण हैरी को छू नहीं पाता और अपना ही शरीर खो बैठता है, और इसी के साथ वॉर खत्म होती है और ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स की जीत होती है। लेकिन डेथ ईटर्स अभी भी उन लोगों के लिए खतरा थे, इसीलिए बहुत से डेथ ईटर्स को अस्काबान में डाल दिया जाता है, और कुछ डेथ ईटर्स इसलिए बच जाते हैं क्योंकि उनका कहना था कि वोल्डेमॉर्ट ने उनको डरा रखा था और उनके माइंड पर कंट्रोल कर रखा था, इसीलिए वो लोग वोल्डेमॉर्ट का साथ दे रहे थे। और सीरियस ब्लैक को, जो कि निर्दोष होता है, उसे पॉटर्स को धोखा देने के लिए अस्काबान में डाल दिया जाता है। अब जबकि ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स का काम खत्म हो चुका था, इसीलिए इस सोसाइटी को भी बंद कर दिया जाता है। उसके बाद जून 1995 को बार्टी क्राउच जूनियर, जो एलेस्टर मूडी बना हुआ होता है, वो गोबलेट ऑफ फायर को मैनिपुलेट करके उसमें हैरी का नाम डाल देता है। और ट्राइविजर्ड टूर्नामेंट के थर्ड टास्क में जब हैरी और सेड्रिक ट्राइविजर्ड कप को टच करते हैं, तो वो लिटिल हैंगलेटन पहुंच जाते हैं, जहां पीटर पैटिक्रू सेड्रिक को मार देता है, और हैरी के ब्लड की मदद से वोल्डेमॉर्ट वापस आ जाता है।
और जब हैरी डंबलडोर को बताता है कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ चुका है, तब डंबलडोर फीनिक्स के सभी मेंबर्स को इन्फॉर्म करते हैं और ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स को दोबारा बनाने के लिए वो अपनी फर्स्ट मीटिंग सीरियस के घर पर करते हैं, जिसके बाद उस जगह को ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स का हेडक्वार्टर बना दिया जाता है। और हैरी की सेफ्टी के लिए फीनिक्स का कोई ना कोई मेंबर हैरी पर नजर रखता था। हालांकि इस टाइम हैरी, हरमाइनी और रॉन ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स के ऑफिशियल मेंबर नहीं थे, लेकिन उनको भी कुछ ड्यूटीज दी गई थी। अब जबकि डंबलडोर और फीनिक्स के मेंबर को इस बात पर यकीन था कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ चुका है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनको इस बात पर यकीन नहीं था, जिसमें से एक थे मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक कोनेलियस फज। और कोनेलियस फज का ये कहना था कि डंबलडोर फेक रूमर्स फैला रहे हैं क्योंकि हॉगवर्ट्स से उनकी बहुत सारी अथॉरिटी छीन ली गई है। लेकिन अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में बहुत से लोग ऐसे थे जिनको डंबलडोर पर भरोसा था, जैसे किंग्सली और निम्फोडोरा टोंग्स। इसीलिए उन्होंने सीक्रेटली ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स को भी ज्वाइन किया था। और जब हैरी, हरमाइनी और रॉन ने डंबलडोर आर्मी बनाई थी, तो अम्ब्रिज का ये कहना था कि डंबलडोर मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक से लड़ने के लिए अपनी आर्मी बना रहे हैं, जिस वजह से डंबलडोर को पकड़ने के लिए कोनेलियस फज ऑरर्स के साथ आते हैं, लेकिन डंबलडोर वहां से बच के निकल जाते हैं। और अब जबकि मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक को वोल्डेमॉर्ट की वापसी पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वोल्डेमॉर्ट और डेथ ईटर्स इसका फायदा उठाते हुए छुपकर अपना काम करते हैं। और अब वोल्डेमॉर्ट उस प्रोफेसी के बारे में पूरा जानना चाहता था, इसीलिए वो डेथ ईटर से उस प्रोफेसी को चुराने के लिए बोलता है। और जब डिपार्टमेंट ऑफ मिस्ट्रीज में डेथ ईटर्स डंबलडोर की आर्मी को पकड़ लेते हैं, तब वहां उनकी मदद करने के लिए फीनिक्स के मेंबर आते हैं। और इसी बीच डेथ ईटर्स को वहां से भगाने की कोशिश में सीरियस ब्लैक मारा जाता है। और उसके बाद डंबलडोर और वोल्डेमॉर्ट की एक ड्यूल होती है, और इसी ड्यूल के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक फज वोल्डेमॉर्ट को देख लेते हैं, जिसके बाद विजिटिंग वर्ल्ड में हर किसी को इस बात पर यकीन हो जाता है कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ चुका है। लेकिन हैरी के सिक्स्थ ईयर में कुछ डेथ ईटर्स हॉगवर्ट्स में घुस आते हैं और वहां सेवरस स्नेप डंबलडोर के कहने पर ही डंबलडोर को मार देता है। अब जबकि डंबलडोर जा चुके थे, इसीलिए एलेस्टर मूडी ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स के नए लीडर बनते हैं। और फीनिक्स का नेक्स्ट मिशन ये होता है कि वो हैरी को उसके रिलेटिव्स के घर से बचाकर निकाल सके, क्योंकि अब हैरी 17 साल का होने वाला था, इसीलिए लिली का लव प्रोटेक्शन भी अब खत्म होने वाला था। लेकिन इसी बीच हैरी का पेट हेडविक और एलेस्टर मूडी मारे जाते हैं। उसके बाद अगस्त 1997 में डेथ ईटर्स मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक पर भी कब्जा कर लेते हैं, जिसके बाद डेथ ईटर्स बिल और फ्लड डेलाकोर की रिसेप्शन के टाइम वहां पर हमला कर देते हैं, लेकिन फीनिक्स के मेंबर हैरी को वहां से सेफली भेज देते हैं, जिसके बाद हैरी, हरमाइनी और रॉन वहां से हॉक्रक्स की तलाश में निकल पड़ते हैं। उसके बाद मई 1998 में डंबलडोर आर्मी और फीनिक्स के मेंबर हैरी के साथ हॉगवर्ट्स आते हैं, जहाँ प्रोफेसर मिनर्वा मैकगोनिकल सेवरस स्नेप के साथ एक ड्यूल करती है, जिसके बाद स्नेप वहां से चला जाता है। और जब 2nd ऑफ मई को बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स शुरू होता है, तो हैरी वोल्डेमॉर्ट को हरा देता है, लेकिन बहुत से फीनिक्स के मेंबर मारे जाते हैं, जैसे रेमस लूपिन, निम्फेडोरा टोंग, फ्रेड वीजली और सेवरस स्नेप, जो कि ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स में डबल एजेंट का रोल कर रहे थे। विजिटिंग वॉर पूरी तरह से खत्म होने के बाद ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स को दोबारा बंद कर दिया गया, और बहुत से अच्छे काम भी किए गए, जैसे अम्ब्रिज को अस्कबान जेल में डाल दिया जाता है और डिमेंडर्स को भी अस्कबान से हटा दिया जाता है और किंग्सली को मिनिस्टर मैजिक बना दिया गया। तो ये थी हिस्ट्री ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स की, जहां हमने बहुत से हीरोज को देखा जिन्होंने अच्छाई के लिए अपनी जान तक दे दी, और हम सभी पॉटर हेड्स उनके इस काम के लिए उन्हें सैल्यूट करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और विजिटिंग वर्ल्ड से पूरी तरह से अपडेटेड रहने के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को भी फॉलो करना ना भूलें। मैंने इस घर में पूरे 20 साल बिताए हैं, और तुम चाहते हो कि मैं इसे एक रात में छोड़कर चली जाऊं। वो आप सबको टॉर्चर करेंगे, वो बहुत ही खतरनाक हैं, वो किसी भी कीमत पर नहीं रुकने वाले। तुम्हें लगता है मैं नहीं जानती वो क्या कर सकते हैं? उस रात गॉडफ्री हॉल में तुमने सिर्फ एक मां नहीं खोई, मैंने एक बहन भी खोई। अब हम कभी नहीं मिलेंगे, ये अलविदा है, जानते हो ना लड़के।
इसका क्या मतलब है? वो हमारे साथ नहीं आ रहा? कौन? हैरी। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्यों 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 क्योंकि क्योंकि वो आने नहीं चाहता। क्यों लड़के? बिल्कुल नहीं। नहीं, वैसे भी मैं तो आप सबको सिर्फ एक बोझ हूँ, है ना वर्नन? चलो डेडली, देर हो रही है। मुझे नहीं लगता कि तुम एक बोझ हो। थैंक्स। मिलेंगे छोटे भाई।